वेलकम बैक टू अवर चैनल अपनी स्कूल माय इंग्लिश बुक टू स्टैंडर्ड टू। डियर चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न 1.7। लेट्स स्पीक। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। 1.7 लेट्स स्पीक, यानी आओ बात करें। आई वॉन्ट टू, इसके मानी होते हैं मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ। ए नंबर की एक्टिविटी है लेट्स स्पीक, यानी आओ बात करें। इस पिक्चर में आपको एक बच्ची जिसका नाम स्नेहल है और उसकी मदर यानी अम्मी नजर आ रही है। इन दोनों में कुछ बातचीत चल रही है। आइए देखते हैं ये दोनों आपस में क्या बात कर रही है। स्नेहल सेड, आई वॉन्ट टू गो आउट। स्नेहल कहती है आई यानी अम्मी, आई वॉन्ट टू गो आउट, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। मदर सेड, इट्स रेनिंग, डू यू स्टिल वॉन्ट टू गो। मदर यानी अम्मी कहती है बारिश हो रही है। रेनिंग के मानी होते हैं बारिश। डू यू स्टिल वॉन्ट टू गो, फिर भी तुम जाना चाहती हो। स्नेहल सेड, यस आई, आई वॉन्ट टू प्ले इन द रेन। स्नेहल कहती है हाँ अम्मी, मैं बारिश में खेलना चाहती हूँ। मदर सेड, यू विल गेट वेट। अम्मी कहती है तुम भीग जाओगी। वेट के मानी होते हैं भीगना या गीले हो जाना। स्नेहल सेड, यस आई, बट आई वॉन्ट टू इंजॉय द रेन। स्नेहल कहती है हाँ अम्मी, लेकिन मैं बारिश का मजा लेना चाहती हूँ। इंजॉय के मानी होते हैं मजा लेना। मदर सेड, गो अहेड, आई विल फिनिश माई वर्क एंड ज्वाइन यू। अम्मी कहती है जाओ, मैं अपना काम खत्म करके तुम्हारे साथ शामिल हो जाती हूँ। फिनिश के मानी होते हैं खत्म करना। बच्चों, यहाँ पर एक बात गौर कीजिए, जब हम कुछ काम करना चाहते हैं तो उसे इंग्लिश में आई वॉन्ट टू कहना पड़ता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है आई वॉन्ट टू गो यानी मैं जाना चाहती हूँ। उसी तरह इस जुमले में लिखा है आई वॉन्ट टू प्ले यानी मैं खेलना चाहती हूँ। उसी तरह इस सेंटेंस में लिखा है आई वॉन्ट टू इंजॉय यानी मैं मजा लेना चाहती हूँ। इस तरह जो भी काम करना चाहते हो, इससे पहले आई वॉन्ट टू कहकर आप इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हो। इस पिक्चर में आपको स्नेहल का छोटा भाई चिंटू और उसकी मदर यानी अम्मी नजर आ रही है। ये दोनों भी आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये दोनों की आपस में क्या बात चल रही है। चिंटू सेड, आई वॉन्ट टू प्ले इन द रेन टू, मे आई गो। चिंटू कहता है आई यानी अम्मी, मैं भी बारिश में खेलना चाहता हूँ। वो अपनी मदर से परमिशन मांग रहा है, मे आई गो यानी क्या मैं जा सकता हूँ। मदर सेड, यस चिंटू, यू मे। अम्मी कहती है हाँ चिंटू, तुम जा सकते हो। यहाँ पर चिंटू खेलना चाहता है, इसलिए जब हम कोई काम करना चाहते हैं तो उससे पहले कहा जाता है आई वॉन्ट टू, जैसा कि यहाँ पर चिंटू ने कहा आई वॉन्ट टू प्ले। बी नंबर की एक्टिविटी है लिसन एंड रिपीट, यानी सुनो और दोहराओ। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसे आपने सुनना है और रिपीट करना है यानी दोहराना है। ओके, फर्स्ट आई रीड दिस सेंटेंस, देन यू रिपीट आफ्टर मी। I want to go out यानी मैं बाहर जाना चाहती हूँ। I want to play यानी मैं खेलना चाहती हूँ। I want to enjoy the rain, मैं बारिश का मजा लेना चाहती हूँ। इस तरह आप भी जो काम करना चाहते हैं उसके लिए I want to का इस्तेमाल करके इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड गुड बाय।